गोंदिया टू एंकर। महाराष्ट्र के गढ़चिरोली जिले में भामरागढ़ तहसील के अति दुर्गम क्षेत्र मल्लम पोड्डू गांव के निवासी चरण कोठारे, इन्होंने आदिवासी क्षेत्र के लोगों के लिए एक अत्याधुनिक राइस मिल प्लांट लगाया है, जिससे आदिवासियों को अपनी धान की फसल के मिलिंग के लिए बहुत सुविधा हो रही है। इसके पहले आदिवासी क्षेत्र के लोगों को अपनी फसल लेकर 40 से 50 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, जिससे उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। यहाँ के मूल निवासी चरण कोठारे, इन्होंने उनकी समस्या पर ध्यान देते हुए उसी गांव में एक अत्याधुनिक राइस मिल प्लांट लगवाया। अब वहाँ के निवासियों को अपनी धान की फसल कहीं दूर नहीं ले जाना पड़ता। इससे स्थानीय आदिवासी किसान बहुत खुश है। चरण कोठारे का यह प्रयास सराहनीय है। हम आए हैं इस वक्त गढ़चिरौली जिले के भामरागढ़ तहसील में। भामरागढ़ तहसील से 15 किलोमीटर आगे मल्लम पोड्डू गांव, जहाँ पे हम मिलेंगे चरण कोठारे जी से, जिन्होंने इस मल्लम पोड्डू गांव के लोगों के लिए एक बहुत अति सुंदर राइस मिल का निर्माण किया है। इस राइस मिल का निर्माण के पीछे इनका क्या तात्पर्य है, चला इनसे जानेंगे। तो देखिए, एक्चुअल में क्या होता था कि ये गाँव का जो सेंटर पॉइंट है, यहाँ से लगभग 60 से 80 गाँव आते हैं। तो क्या होता था कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए लोगों को दिक्कत होती थी और उनका समय भी बहुत चला जाता था लाइट ना होने के कारण या कोई भी एनी रीज़न की वजह से। तो अभी क्या हो रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो कम पड़ रहा है और उनका पैसा भी बच रहा है ट्रांसपोर्टिंग का और समय भी बच रहा है। तो इसके लिए मैंने ये सोचा कि यहाँ अपने गाँव में एक राइस मिल डालना चाहिए, इसके लिए मैंने राइस मिल शुरू की है। चरण जी, इस राइस मिल को जो आपने ओपन की थे, इसमें से आपको अनुभव क्या क्या है? तो बहुत सारा मैंने चीज़ें ऐसी है कि जो बाहर राइस मिल में क्या होता था कि ठीक से पॉलिशिंग नहीं होती थी, और दूसरी चीज़ क्या होता था कि ठीक से बात नहीं करते थे, और इंटीरियर लोगों को हिंदी या मराठी समझ में नहीं आती है, और मैं यहाँ का प्रॉपर हूँ इसके लिए मुझे यहाँ की लोकल लैंग्वेजेस आती है, जैसे मान लीजिए गोंडी, माड़िया, यह सब चीज़ है। ठीक है चरण जी, विशेषता, इस राइस मिल की विशेषता क्या है चरण जी? तो देखिए, ये राइस मिल मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बनी हुई है, तो जो इसका सेटअप है तो कम से कम मशीनरी का वेटेज है या पावर कंजम्पशन कम से कम है, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपन मिलिंग कर सकते। इसका कैपेसिटी है 2.5 TPH। तो मान लीजिए कि 24 आवर्स अपन अगर चलाते हैं राइस मिल, तो 40 या 45 किलो का जो गोनी होता है उसके वो गोनी कम से कम 1000 या 1200 तक अपन मिलिंग कर सकते। BCN न्यूज़ चैनल से अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट।